नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। पानी को स्वच्छ करने की नई तकनीक और यूनेस्को द्वारा की गई घोषणा, इसके अलावा आज के अंक में चर्चा का विषय होगा भारतीय कृषि के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान और इसके भविष्य की। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इसरो की सफलताओं के लिए उपराष्ट्रपति ने दी वैज्ञानिकों को बधाई, भविष्य के लिए भी दी शुभकामनाएं। IIT मद्रास के शोध को विश्व स्तर पर मिलेगी पहचान, विदेशी कंपनी ने किया करार। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बना भारत का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने की घोषणा। और खोज खबर में चर्चा करेंगे भारतीय कृषि के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों और इसके भविष्य की। और अब खबरें विस्तार से। दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्वदेशी स्पेस शटल हो या फिर एक साथ 20 अंतरिक्ष यानों का सफल प्रक्षेपण, हाल ही में इसरो ने सफलता की नई इबारतें लिखी हैं और इसका सारा श्रेय जाता है इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और इसरो से जुड़े लोगों को। हाल ही में राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी और साथ ही भविष्य में और भी सफलताओं को हासिल करने की शुभकामनाएं दी। इसरो में विकसित शोधों की उनकी प्रामाणिकता और तकनीकी उम्दापन के लिए दुनिया भर में प्रशंसा होती रही है। इसी कड़ी में इसरो ने हाल में दो नए मुकाम हासिल किए हैं। फिर से इस्तेमाल किए जा सकने वाले यान का सफल प्रयोग किया है और एक साथ 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा है। 18 जुलाई को जब संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो राज्यसभा में इसरो के RLV-TD और कार्टोसैट-2 उपक्रमों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को सम्मानित किया गया। अपने भाषण में राज्यसभा अध्यक्ष मोहम्मद हामिद अंसारी ने इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को बधाई दी। Credit for both these landmark achievements goes to our scientific community working with ISRO. On behalf of the House and on my own behalf, I congratulate the scientists, engineers and technicians who were associated with these projects and do hope that they will continue to scale greater heights and make the country proud of their achievements. We wish them all success for their future endeavors. उपराष्ट्रपति महोदय ने विज्ञान जगत में ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने के लिए प्रशंसा करने के साथ उम्मीद जताई कि ये सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। RLV-TD कार्यक्रम में भारत ने इस साल मई में अंतरिक्ष में उपग्रहों को पहुंचाने वाले यान को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जबकि जून में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C-34 के जरिए भारत ने अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह कार्टोसैट-2 समेत कुल 20 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। इन कार्यक्रमों के साथ अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत दुनिया के चुनिंदा अति विशिष्ट देशों में शामिल हो गया है। आर्सेनिक द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषित होना एक आम समस्या है, जिसके कारण मनुष्यों में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने नैनो मटेरियल पर आधारित एक तकनीक विकसित की थी, जिसका आज भारत के कई राज्यों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब ये तकनीक वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना पाएगी। जी हाँ, हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी ने वैज्ञानिकों के इस दल से करार किया है, जिसके तहत वो करीब 120 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराएगी ताकि पानी को शुद्ध करने की ये तकनीक दूसरे देशों तक भी पहुंच पाए। जायके से तो पता नहीं चलता, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस पानी को आप पीते हैं उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, पेस्टिसाइड, पैरा, कैडमियम और लेड जैसे खतरनाक रसायन मिले हो सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं।
इन्हीं खतरों को देखते हुए इनो नैनो नाम के आईआईटी के शोध और उद्यम विभाग ने नया फिल्टर इजाद किया है। आर्सेनिक के खतरे से बचने के लिए अमृत वाटर फिल्टर इजाद किया गया है। अमृत का पूरा नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित पानी को साफ करने की तकनीकी है। खास बात यह है कि ये तकनीकी पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है और संपर्क में आने के महज एक मिनट के भीतर पानी से आर्सेनिक दूर कर सकता है। फिलहाल ये फिल्टर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक के 750 केंद्रों में स्थापित किया गया है और सिर्फ 5 पैसे प्रति लीटर की लागत से 5 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया करा रहा है। ये फिल्टर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप की अगुवाई में छात्रों की एक टीम ने विकसित किया है, जिसे इनो नैनो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने बाजार में उतारा है। Our objective in creating nanotechnology was to create affordable clean water. In Indian context, we defined affordability as 5 paisa per liter of clean water delivered at home. So on the kitchen table, we should be getting clean water at 5 paisa per liter, drinking water at 5 paisa per liter. IIT मद्रास का ये विभाग उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए गठित किया गया है। खास बात ये है कि अमृत को अब अमेरिका के कनेक्टिकट स्थित नैनो होल्डिंग्स ने $18 मिलियन की फंडिंग दी है। इस संयुक्त उपक्रम से अमृत को बेहतर बनाने के लिए इनो नैनो IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में 5,000 square feet के क्षेत्र में एक नई रिसर्च प्रयोगशाला स्थापित करेगा। इसके बाद अमृत फिल्टर दुनिया के कई हिस्सों में उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि इस दिशा में प्रयोग अब भी जारी हैं। डॉक्टर प्रदीप और उनकी टीम मौजूदा तकनीकी को विकसित कर फ्लोराइड, प्राकृतिक लोहा और लेड, पैरा, कैडमियम और तांबा जैसे औद्योगिक कचरे को दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े उद्यानों में से एक सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ न सिर्फ जीवों की बल्कि पेड़ पौधों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 40वीं बैठक में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। दूर तक फैली हुई तराई, बर्फ से ढके पहाड़, झीलों की इठलाती लहरें और विशाल घने जंगल, ये नजारा है हिमालय की गोद में बसे सिक्किम में स्थित खांगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान का। तिब्बत में बसे बौद्ध धर्म की अनुयायी आज भी इस उद्यान को पवित्र शक्तियों का गढ़ मानते हैं। सबसे ऊंचे राष्ट्रीय उद्यानों में दुनिया में तीसरे पायदान पर आने वाले खांगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान और ज़ेमू ग्लेशियर अनगिनत वनस्पतियों और जंगली जानवरों का आश्रय देता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के अनोखे संगम के रूप में विकसित खांगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने अपने 40वें सत्र में भारत का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये दर्जा देने के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स दोनों ने ही सिफारिश की थी। दोनों संस्थाएं यूनेस्को की सलाहकार समिति का सदस्य हैं। खांगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान की खासियत है कि यहाँ ऊंचे पहाड़ों के बीच सबसे चौड़ी तराइयों में एक विराजमान है। पहाड़ों की सीधी चढ़ाई रॉक क्लाइंबर्स के लिए चुनौती पेश करती है, जहाँ की जैव विविधता दुनिया भर के जैविक वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र है। जहाँ तक जैव विविधता का सवाल है, तो इस उद्यान में उष्णकटिबंधीय और अल्पाइन दोनों तरह की वनस्पतियों की भरमार है। इसकी गोद में कई विलुप्त प्राय वनस्पतियां अपने वजूद को बचाए रखने में सफल रही हैं। एशिया के मध्यवर्ती और ऊंचे पहाड़ों में
यहाँ चीन के बाद सबसे ज्यादा वनस्पतियाँ और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। यहाँ चिड़ियों की भी विभिन्न प्रजातियों की भरमार है। उम्मीद है कि यूनेस्को से मान्यता मिलने के बाद और परंपराओं की रोशनी में ये राष्ट्रीय उद्यान आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में दुनिया को रोमांचकारी मार्ग दिखलाएगा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहें ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के साथ काम करने के दौर में एक नया प्रयोग हुआ है। जीनोमिक्स तकनीकी और पुरातत्व विभाग ने मिलकर पहली बार 6000 साल पुराने जौ के जीन्स की सीक्वेंसिंग की है। करीब 6000 साल पुराने जौ की रेडियो कार्बन के जरिए डेटिंग और डीएनए जांच की गई। जौ के कुछ अवशेष पौधों के अवशेषों के साथ डेड सी के पास इजराइल की योरम गुफा में पाए गए थे। राज्यसभा का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने के साथ इंतजार की लंबी घड़ियां खत्म हुई। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल सदन में पेश हुआ और ध्वनि मत से पास हो गया। इस महत्वपूर्ण बिल के पास होने के बाद बायोटेक्नोलॉजी का रीजनल सेंटर खोलने का रास्ता साफ हो गया है, जो निश्चित रूप से देश में बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च का रास्ता साफ करेगा। सर, दिस सेंटर शैल टेक अप रिसर्च एंड इनोवेशन एंड ऑल्सो इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द न्यू एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट द इंटरफेस ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड ऑल्सो इम्पार्ट डिग्रीज इन बायोटेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये संस्थान बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में कुशल कामगारों को प्रशिक्षित करेगा और यूनेस्को की मदद से शोध और विकास के क्षेत्र में योगदान देगा। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सख्त कदम उठाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल से चलने वाली 10 साल से पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के फौरन बाद ये प्रतिबंध दिल्ली में तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। खबरों के मुताबिक एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा है कि 10 साल से पुराने डीजल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फौरन रद्द किया जाए। हाल में रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली की हवा दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा में से एक है। इस रिपोर्ट के बाद डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 15 साल का विशाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परोपकार के लिए किए गए कार्यों से वो अमर हो चुका है। विशाल एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था और त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। उसका दिल फौरन हवा के रास्ते कोची के लिजी अस्पताल में लाया गया और पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी के एक रोगी में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया। Allocated to the so patients who are listed on the KNVAS wait list. So heart is going to see hospital Ernakulam, liver to KIMS hospital, and both the kidneys are allocated to government hospital Trivandrum. विशाल के शरीर के दूसरे अंग भी दान कर दिए गए। इसमें केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक रोगी को लीवर दान किया गया, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रम के एक रोगी को विशाल की किडनियां मिली। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कैसे टिश्यू कल्चर के द्वारा कृषि और विभिन्न क्षेत्रों में रोग मुक्त और अच्छी पैदावार वाले पौधे विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी भारतीय वैज्ञानिक कई ऐसे शोध कार्यों में जुटे हुए हैं जिससे कि कृषि को और भी आधुनिक और उन्नत बनाया जा सके। आजादी से लेकर अब तक भारतीय कृषि में काफी बदलाव आया है। आज भारत खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में मजबूती से खड़ा है, लेकिन कैसा रहा भारतीय कृषि के इस विकास का सफर और इसके अलावा भी कौन कौन से शोध इस क्षेत्र में जारी हैं? जानेंगे अपने सेगमेंट खोज खबर में।
आबादी के सबसे ज्यादा हिस्से को रोजगार देने वाली कृषि देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। कई दशकों के अथक परिश्रम के बाद भारत ने कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। कृषि की ही बदौलत देश के आर्थिक सामाजिक विकास में अहम मुकाम हासिल हुआ है। कृषि शोध का क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े शोध क्षेत्र एक है। भारत के लिए सराहनीय बात यह है कि आजादी के बाद कम समय में ही इसने अनाज उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की। ये मुकाम गहन वैज्ञानिक शोध और तकनीकी विकास से ही हासिल हुआ है। शुरुआती समय तक भारत में खेती के परंपरागत तौर तरीके का ही बोलबाला रहा। बार बार सूखा पड़ने और कम उत्पादन के कारण अनाज की कमी होती थी, जिसके कारण भुखमरी आम बात थी। हालात में बदलाव तब आए जब कृषि के क्षेत्र में मशीनों का उपयोग और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने लगा। खेती के नए तरीके देश में नए सिरे से हरित क्रांति का वाहक बने। इस दौरान कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था और तकनीकी में क्रांति आई, जिसकी वजह से देश अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। कृषि में हमारे सबसे बड़ा बदलाव जो है वो हरित क्रांति, जिसको हम कहते हैं, उस दौर में आया है, जो 1960 और 70 के दशक में हमारे यहाँ परिलक्षित हुई है। और इसमें ख़ास तौर से जो सीरियल ग्रेन्स का उत्पादन है, जिनको हम गेहूं और चावल में ख़ास तौर से ये दो क्रॉप्स के बारे में कहना चाहूँगा कि इनमें छोटी जो प्रजातियाँ, बोनी प्रजातियाँ जो विकसित की गई, उनसे जो उत्पादन में वृद्धि हुई, उससे हमारा सारा जो भोजन की कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी, वो पूरी हुई। और इसी के साथ साथ जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन, इरिगेशन में बढ़ोतरी और बोनी प्रजातियों के अतिरिक्त जो संकर नस्लें हमने बनाई, उनमें बहुत अच्छी हमें पैदावार मिली। और साथ साथ जो दूसरे तरीके आए बीमारियों की रोकथाम के लिए और सॉयल की मैनेजमेंट के लिए, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी, बीजों के एक और, खासकर गेहूं के रोग मुक्त प्रकार, रासायनिक खाद का प्रयोग, खेती के तरीकों में नए प्रयोग और सिंचाई की सुविधा इसकी मुख्य वजह थी। उस समय से अब तक कृषि के क्षेत्र में कई प्रयोग हुए हैं। दुनिया की कई आधुनिकतम तकनीकी, मसलन नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का भारतीय कृषि में इस्तेमाल हुआ है। इन दिनों देशों में कृषि से जुड़े शोध नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम यानी NARS के मजबूत कंधों पर है। NARS में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम यानी ICAR, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कृषि विभाग शामिल हैं। ICAR में 101 संस्थाएं और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अलावा 79 अखिल भारतीय कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें सबसे प्रतिष्ठित है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट या IARI, जिस पर ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के शोध की जिम्मेदारी है। ये सभी संस्थाएं देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की जरूरतों की पहचान करती हैं और इसके मुताबिक शोध करती हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आकर उसके नेतृत्व में ये बहुत ज़ोरदार प्रयास किया कि हम अपने किसान को ऐसी ताकत दे सकें विज्ञान और तकनीक के रूप में कि वो प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन कर सके, यानी उसकी भूमि कम भूमि हो, कम समय लगे, उत्पादन ज़्यादा हो, आमदनी ज़्यादा हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगातार इस काम में लगे हुए हैं और अब हमारे सामने लक्ष्य ये है कि हम सन 2022 तक हमें किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। इनमें ज्यादातर शोध फसल को बेहतर बनाने के लिए जीन से जुड़ी तकनीकी और बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। नई तकनीकी की मदद से कपास, चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, मूंग और उड़द के नए प्रकार विकसित किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने काबुली चना, अरहर,
और गेहूं के जीनोम का भी पता लगा लिया है। इन जानकारियों से विविध प्रकार के फसल उगाए जाने में सफलता हाथ लगी है। पते की बात यह है कि तकनीकी तौर पर विकसित नए बीजों से फसल जल्द तैयार होती है, सूखे का असर नहीं पड़ता, असंतुलित तापमान का असर नहीं पड़ता, खाद्य पौष्टिक होते हैं और इन्हें उपजाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। वैज्ञानिक विधियों से कीटाणुओं पर भी काबू पाया गया है। शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल फेरोमोन्स का बेहतर उपयोग और कीटनाशकों के जरिए फसल को बर्बाद करने वाले कीटाणुओं पर भी सफलतापूर्वक काबू पाया है। इनके इस्तेमाल से फसलों पर छिड़काव करने वाले हानिकारक रासायनिक दवाओं से छुटकारा मिल गया है। उम्मीद है कि नई तकनीकी पर आधारित कृषि दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही आबादी की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त राज्यसभा TV पर। नमस्कार।